जिंदगी में पहली बार इतना महंगा टमाटर खरीदा है। टमाटर देखिए जो हमको 20 में मिलता था अभी 220 रुपए किलो चल रहा है। जी का पैसा ही नहीं है, आटे को पैसा ना है तो सब्जी लेने को कहाँ से आएंगे हम। लेकिन अब हम उसी हिसाब से लेते हैं, अब टमाटर यूज करना बंद कर दिया है। जो चीज हम लोग किलो में लेते थे अभी हम लोग 250 ग्राम 100 ग्राम में ही लेते हैं। किसी तरह से घर चलाया जा रहा है, बस ये आसमान छू रहे हैं दाम। इस वक्त मैं इंदिरापुरम की बिहारी मार्केट में मौजूद हूँ। इन लोगों से या सोसाइटी में आसपास जो लोग रहते हैं वो यहीं से सब्जी खरीदा करते हैं, इन लोगों से मिलकर जानते हैं कि इनकी जिंदगी में क्या बदलाव हुआ है। सब्जी तो आसमान छू रहे हैं, इससे ज्यादा तो लगता है नॉन वेज। अब सब्जी के बाद बराबर अभी तो दाम जमीन आसमान का फर्क है। जमीन और आसमान का फर्क है बहुत। जो चीजें हमको जो 30 में मिलती थी अभी वही चीजें 70, 80, 90। टमाटर देखिए जो हमको 20 में मिलता था अभी 220 रुपए किलो चल रहा है। तो दाम में तो बहुत फर्क है। जो मध्यम क्लास के लोग हैं उनको खरीदना पड़ा। जो चीज़ हम लोग किलो में लेते थे अभी हम लोग 250 ग्राम 100 ग्राम में ही लेते हैं। किसी तरह से घर चलाया जा रहा है, बस ये आसमान छू रहे हैं दाम। ये सारी चीज़ें, यहाँ तक कि मिर्चा धनिया भी इतना महंगा हो गया है कि जिसको कि नॉर्मल चीज़ें हम लोग फ्री में भी लेके चले जाते थे, लेकिन अब उसका 100 ग्राम ही अगर आप लेते हो तो 70 रुपए का मिल रहा है। सोच लीजिए इतना महंगा। तो कहूँगा कि ये वाकई में काफ़ी महंगा है, लेकिन अब हम उसी हिसाब से लेते हैं। अब टमाटर यूज़ करना बंद कर दिया है। सब्जी महंगी है इसलिए नहीं खा पा रहे। सब्जी का पैसा ही नहीं है, आटे को पैसा ना है तो सब्जी लेने को कहाँ से आएंगे हम। सब्जी का तो रेट ही नहीं करते हम, क्यों पता है महंगी है तो। आना रही जंगल में सड़ गई, सारे खेतों में सड़ी पड़ी है ना, पानी भर रहा है 3-3 फुट। सब्जी कहाँ से आएगी जी, बताओ जी। बेमौसम की जो बारिश हुई है इसी से सब्जियाँ महंगी हुई हैं, और इस समय सब्जियाँ वैसी कम आती हैं और हर साल महंगी रहती हैं। नई बात तो है नहीं सब्जी महंगा होना, इस समय हर साल महंगी रहती है, इस साल ज़्यादा बारिश हुई। जिंदगी में पहली बार इतना महंगा टमाटर खरीदा है। अब जहाँ हम 2-3 किलो खरीदते थे वहाँ 1 किलो 1.5 किलो जो भी है लेना है, तो ऐसी वाली चीज़ है ना कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। आलू प्याज टमाटर तो हर सब्जी में, हर दाल में, हर सब्जी में चाहिए। देखिए विशेष फर्क तो कुछ नहीं है, दाम तो बढ़ेंगे ही। बारिशों के दिनों में जब सप्लाई टूटेगी तो दाम तो बढ़ना तय है, उसमें किसी पर ब्लेम करना तो बिल्कुल उचित नहीं होगा। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि इस वक्त की सब्जियों के भाव क्या हैं। अदरक जो कि पहले 240 रुपए हुआ करती थी वो इस वक्त 400 रुपए किलो मिल रही है। धनिया जो पहले 50 रुपए हुआ करती थी वो इस वक्त 300 रुपए किलो मिल रही है। टमाटर जो पहले 160 रुपए हुआ करता था वो इस वक्त 240 रुपए का मिल रहा है। शिमला मिर्च जो पहले 120 रुपए किलो हुआ करती थी वो इस वक्त 250 रुपए की मिल रही है। बीन्स जो पहले 120 रुपए हुआ करती थी वो इस वक्त 200 रुपए किलो मिल रही है। बैगन जो पहले 60 रुपए हुआ करता था वो इस वक्त 120 रुपए किलो मिल रहा है। हरी मिर्च 50 रुपए किलो हुआ करती थी जो कि इस वक्त 120 रुपए किलो बिक रही है। टिंडा जो पहले 60 से 70 रुपए हुआ करता था वो इस वक्त 100 रुपए किलो मिल रहा है। भिंडी पहले 60 रुपए किलो मिला करती थी और इस वक्त 80 रुपए किलो की मिल रही है। पहले पिछले साल पहले 300-350 का टमाटर मिलता था धड़ी में, अब 800-900 का टमाटर मिल रहा। पता कब है, पब्लिक नहीं ले रही, पावली टमाटर भी नहीं ले रही। एक टमाटर लेने के लिए कहते 10 रुपए का टमाटर, तो कहाँ ला के देंगे बताओ। क्या खाएंगे आदमी और क्या पियेंगे? जो कमा रहे 500 रुपए सब्जी वाले के देंगे पैसा, दूध वाले के देंगे या फिर और कुछ करेंगे, बच्चे के राशन वाले के देंगे? पढ़ाई लिखाई सब चीज के मामले हैं, कैसे आदमी बच्चा पालेंगे, कैसे अपना रोजी रोजगार चलाएंगे? हम 500 रुपए कमा रहे हैं, 200 रुपए सब्जी वाले के दे रहे हैं, 100 रुपए दूध वाले के दे रहे हैं, 100 रुपए का हम राशन ले आते हैं, 50-25 बच्चे के भी खर्चे हैं, स्कूल का भी खर्चे हैं, क्या कैसे पूरा करेंगे? क्या करके मानेंगे ये सरकार, यही नहीं पता है, कुछ मंदा होनी चाहिए। जो भी 40 बारिश से पहले जो 40 रुपए किलो बिक रहा था अभी 80 रुपए किलो बिक रहा है, ऐसा हालात है अभी ये बारिश के चलते। बहुत हालात खराब, शिमला 100 रुपए किलो बिक रहा है, टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहा है, मंडी का रेट है अभी, ऐसा हालात है यहाँ का अभी। कुछ तो करेंगे सरकार, हेल्प नहीं करेंगे तो फिर आदमी को जीना हराम हो जाएंगे, खाने पीने के मुश्किल पड़ जाएंगे आदमी को, बच्चे का स्कूल बंद हो गया। ये माल बिक नहीं रहा महंगाई के कारण, ठीक ना, महंगाई के कारण भी माल नहीं बिक रहा, क्योंकि अदरक भी 250-300 से पार है, लहसुन भी 200 से पार है इस समय, इसके कारण ग्राहक लेने में सकसका रहे हैं। तो देखा आपने, सब्जी बेचने वालों से लेके सब्जी खरीदने वालों तक हर कोई परेशान है। ये जो इसके भाव जो बढ़ रहे हैं, कोई सब्जी जहाँ 1 किलो ले जाया करता था वहाँ सब्जी पाव भर खरीद रहा है, जो बेच रहे हैं उनकी भी बिक्री नहीं हो रही, पूरी तरह से बंद हो चुकी है, ना के बराबर है। आधी सब्जी उनके पास जो आ रही है थोड़ी बहुत वो खराब होती है और थोड़ी बहुत सही होती है, तो इसे आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक सवाल ये उठता है कि हर साल ऐसा होता है, कोई ये जो पानी का जो सावन आता है हर बार आता है, बारिश हर बार होती है, हर साल होती है, लेकिन फिर भी सरकार इसके लिए पहले से कोई इंतजाम अच्छे क्यों नहीं रखती है।
सरकार को नहीं लगता कि स्थिति बन सकती है, ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जिसके लिए उसको पहले से ही कुछ ना कुछ इंतजाम करके रखने चाहिए? ये एक सवाल है जिसपे सोचने की जरूरत है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।